दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो शेयर है काफ़ी खास है दोस्तों। ये जो पांच शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी मार्केट में डीप आई दोस्तों, इसमें ना निवेश करने का मौका मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी शानदार शेयर है और इसमें मौके बड़े कम मिलते हैं। क्योंकि जब मार्केट हाई रहता है दोस्तों, तो जनरली मौके मिलते नहीं हैं और इवेंट्स जनरली बहुत कम मिलते हैं। साल में ना दो चार बार ऐसे मौके मिलते हैं दोस्तों इन शेयरों में एंट्री लेने के। स्पेशली अभी जब यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चालू है, मार्केट डाउन है, तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें निवेश करने का सोचिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए, आप यहाँ से अच्छा खासा है ना कैपिटल कॉर्पस बना पाएंगे दोस्तों। इन शेयर में निवेश डिविडेंड मिला है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल दिया था। साथ ही साथ रिसीव डिविडेंड एवरी मंथ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो ये भी तीनों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, इसको भी डाक के डेफिनेटली चेक कर लीजिए ये वीडियो देखने के बाद। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। हाँ, तो दोस्तों जब भी मार्केट में है ना क्रैश आया या डिप आया दोस्तों, है ना, आप इस शेयर में जरूर से निवेश कीजिए, वो है इन्फोसिस लिमिटेड दोस्तों। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी दोस्तों, बाहर काफ़ी सारा काम है, यूएसए यूरोप में काफ़ी तगड़ा काम है, डॉलर में इनकम होती है दोस्तों, साथ ही साथ इंडिया में भी कारोबार करती है, बट मेजर जो इनकम है दोस्तों फॉरेन से आती है दोस्तों। करीब करीब 7.25 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों, कुछ छोटी मोटी नहीं है दोस्तों। डिविडेंड वगैरह भी देती है, बोनस देती है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अभी जो करंट भाव चल रहा है 1600-1700 के आसपास, यहाँ पे डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हैं। आने वाले साल भर में भी अगर आप होल्ड करके रखते तो 8 से 10% 12% का रिटर्न कहीं नहीं गया दोस्तों। तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दोस्तों, 1-2 साल के लिए, मेरा तो यही बोलना रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दोस्तों इस शेयर को दोस्तों। वो है टाटा पावर लिमिटेड दोस्तों। टाटा पावर लिमिटेड दोस्तों इसलिए क्योंकि अभी दोस्तों पावर पे काफ़ी ध्यान है, स्पेशली टाटा पावर जो है अभी ईवी के बिजनेस में भी आ चुकी है दोस्तों। ईवी पावर चार्जिंग स्टेशंस वगैरह उस तरह के है ना, काफ़ी इनका सेटअप हो चुका है दोस्तों। जैसे कि यहाँ मेंशन है, इट एम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, और भी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसके थ्रू पे भी काम चालू, जो जनरली जो ट्रेडिशनल काम होता था कोयले से बिजली बनाना, उसके अलावा भी अदर सोर्स भी कर रहे, उसमें काफ़ी काम कर रही है दोस्तों। और ये शेयर भी काफ़ी ज़बरदस्त अप्रिसिएशन हो गया है दोस्तों, 140 रुपये से दोस्तों 220-250 तक गया है दोस्तों। अभी फिर से इसमें डिप आया ये क्रैश की वजह से, मार्केट क्रैश के। तो कंपनी है दोस्तों एफएमसीजी कंपनी की दिग्गज कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों। इसका हर ब्रांड आप में से हर कोई अपने घर में इस्तेमाल करता है और आपके घर में भी पड़ा होगा, इसका ब्रांड काफ़ी दिग्गज कंपनी है। डे बाय डे इनका बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। करंट भाव जो चल रहा है 2100 के आसपास दोस्तों, ये अच्छा एंट्री लेवल है जो आपको मिल रहा है दोस्तों इस क्राइसिस में दोस्तों। तो यहाँ पर डेफिनेटली एंट्री लेके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि साल दर साल स्लो एंड स्टडी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, काफ़ी लोगों के कैपिटल है ना इंक्रीज कर चुकी है कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों। डिविडेंड भी देती है, बीच बीच में बोनस भी मिलता है, लेकिन डिविडेंड तो मिलता ही है हर साल दोस्तों। तो ये जो लेवल है दोस्तों 2100 या 2000 के आसपास, जब भी मिले आप तुरंत इसमें, जब भी डिप मिले दोस्तों इसमें एंट्री कर लेते जाइए दोस्तों, और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस दोस्तों, फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है और बजाज ग्रुप की है। बजाज ग्रुप की कंपनी वैसे भी कोई देखना नहीं पड़ता दोस्तों, काफ़ी वेल मैनेज कंपनी है दोस्तों। और इसका जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, फाइनेंस पे मोबाइल फ्रिज टीवी सब कुछ देना दोस्तों, और भी अभी NBFC क्षेत्र में भी उतरने वाली है, तो वो दोनों ही गांव और शहरों में भी अवेलेबल है इसका बिजनेस दोस्तों, काफ़ी डीप पेनिट्रेशन है दोस्तों। तो काफ़ी तगड़ा बिजनेस मॉडल है दोस्तों बजाज फाइनेंस का, इसको भी पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। तो जब भी डिप मिले दोस्तों इसको परचेस कीजिए आप। अभी ये 6800-9800 के आसपास चल रहा है दोस्तों, थोड़ा और गिरावट है तो भी दोस्तों यहाँ पे ऐड करते जाइए। ये कई लोगों को है ना दोस्तों, है ना मल्टीबैगर शेयर है दोस्तों, कई लोगों को करोड़पति बना चुका है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिले इसमें निवेश कीजिए, आपको भी ये डेफिनेटली अच्छे रिटर्न निकाल के। IFC बैंक भारत की काफ़ी दिग्गज बैंक है दोस्तों और प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है दोस्तों, वेल मैनेजमेंट है बैंक है दोस्तों, और इसका जगह जगह थ्रू आउट द इंडिया प्रेजेंस है दोस्तों। इट वॉज द फर्स्ट टू रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेटअप अ बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। ये पहला बैंक था जिसको लाइसेंस मिला था कि बैंक सेटअप करने के लिए दोस्तों, काफ़ी तगड़ा काम है दोस्तों, लोन्स वगैरह वगैरह भी देता है दोस्तों। करीब करीब 8 जो NSE में ना दोस्तों टॉप 10 की कंपनी है, 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है दोस्तों। अभी 1400-1450 उसके आसपास चल रहा है, ये अच्छा मौका मिल रहा है दोस्तों। ये भी शेयर आपको स्लो एंड स्टडी अच्छा ना रिटर्न बना के देता है, डिप इसमें आते नहीं है, मार्केट अप हो या डाउन हो दोस्तों, है ना इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क गिरता नहीं, इसलिए ना ये काफ़ी बढ़िया शेयर है दोस्तों रिटेल निवेशकों के लिए, कि इसमें कुछ ज़्यादा है ना ये नहीं होता है दोस्तों, बट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही बढ़ते रहता है दोस्तों, और डिविडेंड वगैरह भी मिलता है दोस्तों। तो HDFC का बैंक
काफ़ी तगड़ा शेयर है दोस्तों, इसको भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो और जब भी डिप मिले दोस्तों इसको निवेश कर सकते हो। तो वो 5 शेयर जो आपको हमेशा जब भी मार्केट में क्रैश आए या डिप आए दोस्तों आपको निवेश करना है, और साल भर में आपको 2-4 मौके मिलते हैं तो डेफिनेटली आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, ऐड कीजिए दोस्तों और अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा कीजिए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल अभी तक भी देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।